हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश बिंद है। आप लोगों को एक और मशीन दिखाने आ गए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ साइजिंग मशीन के पास और आपको साइजिंग मशीन दिखाएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं पहली बार मशीन साइजिंग देखा हूँ, क्योंकि आप लोगों को कोशिश किया दिखाने के लिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, ये सामने है, ये मशीन है, छोटा मशीन है। ये तार को जो धागा है उसको जोग डालता है, धागा डालता है दोस्तों। जो इसमें काम किया होगा तो समझ सकता है, जो इस लाइन में सूरत में जो काम किया है देख सकते हैं दोस्तों। ये सब क्रील है, देखिए कितना बड़ा क्रील है। और देखिए ये साइजिंग मशीन है दोस्तों, ये पूरा तार लगा हुआ है, यहाँ पर बीम बनता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना बड़ा क्रील लगा है, कितना बड़ा धागा का गोला लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर बीम बनता है, देखिए यहाँ से बीम जाता है, यहाँ पर पानी भी रहता है। और उसके बाद यहाँ धागा पकता भी है दोस्तों। देख सकते हैं ये कितना बड़ा मशीन है, आपको दिखाएंगे। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, इसके अंदर तार जाता है, इसके अंदर तार जाता है, आगे बीम है और वहाँ पर बीम बनता है दोस्तों। देख सकते हैं कितना बड़ा मशीन है ये दोस्तों। इसमें पकता भी है दोस्तों, इसमें आग आता है। आपको आखिरी में वीडियो में आपको बॉयलर दिखाऊंगा कि वहाँ से आग आता है, गर्म आता है और यहाँ पर तार को पकाता है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर आके बीम बन रहा है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर बीम रोल हो रहा है, कितना दूर से आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बीम लगा है, देखिए कितना दूर से धागा आता है, क्रिल से धागा आता है और यहाँ पर रोल होता है दोस्तों। धागा को लपेटा जाता है दोस्तों, मशीन चलता है दोस्तों और मशीन धागा को लपेटता है और तब बीम बनता है, तब मशीनों में जाता है तो कपड़ा बनता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बटन है, बटन से चालू होता है और ये छोटा छोटा बीम है, ये साइजिंग मशीन है, इसको साइजिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये सब सामने जो दिख रहा है WW जैसा, ये फन्नी है, इसको फन्नी बोलते हैं। इसको इसमें से फन्नी से भरा जाता है, जिसको फन्नी या क्या भरने, उसको ये मशीन भरना, मशीन चलाना आ जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं ये साइजिंग सब बीम बन चुका है, देखिए सब धागा है, नायलॉन का धागा है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पर ये सब बीम है, दो मशीन यहाँ पर लगा है दोस्तों। देखिए सब तार कैसे कैसे आया है और ये देख सकते हैं ये सब जो ढका है दोस्तों, इसके अंदर से तार आया है। और इसमें बहुत गर्मी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बॉयलर है, वहाँ से गर्मी आता है, इसमें गर्मी आता है और ये पानी से गुजरता है, उसके बाद फिर गर्म में जाता है, गर्म से फिर रोल बीम में जाता है दोस्तों, तब जाके धागा तैयार होता है। और देख सकते हैं इसमें पूरा आग जैसा जलता है दोस्तों और यहाँ पर बहुत गर्मी रहता है दोस्तों। मैं वीडियो बनाया लेकिन बहुत गर्मी था दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा वीडियो, क्योंकि फेस उतना दिखाया नहीं है दोस्तों। दोस्तों आपको फेस उतना दिखाया नहीं इसलिए कि इतना गर्मी है, मैं गर्मी से पसीने से एकदम भीग गया था दोस्तों। और यहाँ पर फ़ोटो खींचना वीडियो बनाना मना था, लेकिन यहाँ पर मेरे एक मित्र भाई के समान हैं, यहाँ पर वो काम करते हैं और उनसे मैं मिलने के लिए गया था तो यहाँ पर वीडियो बनाया। क्योंकि जो यहाँ का मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, वो बोल रहा था, लेकिन जो हमारा मित्र था उनसे बात करके वो बोला कि मेरा भाई है, तो मैं यहाँ का वीडियो बनाया दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सूरत में कैसा कैसा मशीन होता है और कैसे कैसे कपड़ा यहाँ बनते हैं दोस्तों। आप लोगों को मैं यही दिखाने के लिए आपको वीडियो बना के दिया हूँ दोस्तों। आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत मेहनत से और बड़े बड़े कंपनियां में जाके परमिशन लेके उसके बाद रिक्वेस्ट करके ये वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों।
और बहुत से कंपनियों में नहीं जाने देते हैं, नहीं तो आपको और वीडियो अच्छा अच्छा दिखाता, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे मशीन आपको सामने लेके आना चाहता हूँ, तो आपको दिखाना चाहता हूँ कि सूरत में कैसा कैसा मशीनें हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, मैं देखिए कितना मैं भीगा हूँ और कितना मेरे फेस पर कितना पसीना है। दोस्तों देख सकते हैं सब मशीनें, मैं आगे आ चुका हूँ और दोस्तों देख सकते हैं आपको मशीन दिखाया कैसा लगा। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देख सकते दोस्तों, जो मैं आपको मशीन में जो ढका हुआ था, जो गर्मी था, वही ये बॉयलर है।